उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में किस प्रकार राजनीतिक द्वेष के चलते फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव जनपद के पुरवा विधानसभा अंतर्गत मौरावा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसी साधारण आदमी को राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे में नहीं फंसाया गया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पदाधिकारी है, जिसके ऊपर विगत दिनों 18 मुकदमों में 16 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुका है। 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फर्जीवाड़े की फू आ रही है। वहीं मौरावा थाना पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भूपेश कुमार को पड़ोसी जनपद रायबरेली के भागी खेड़ा गांव के निकट पुलिया के निकट से गिरफ्तार कर उसे उन्नाव जनपद की सीमा में पकड़ कर दिखाया गया। ऐसा कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज मवई के उप प्रधानाचार्य भूपेश कुमार का। वहीं आरएसएस के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि जिस विद्यालय में मैं उप प्रधानाचार्य हूँ, वहाँ के प्रबंधक के कहने पर मैंने वहाँ की व्यवस्था पर शिकायतें उच्चाधिकारियों को किया, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरी शिकायत खुद जिसने मुझे प्रेरणा दिया शिकायत करने के लिए, वह खुद उसी जांच के दायरे में फंसेगा, जिसके चलते आज मुझे जेल जाना पड़ रहा है। मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लिखाए गए हैं उन सबको उठाकर देख लिया जाए तो एक भी मुकदमा मेरा अपना नहीं है। सारे मुकदमे ईर्ष्या द्वेष के चलते लिखवाए गए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखवाए गए प्रधानाचार्य व आरएसएस का पदाधिकारी जिससे पूछा गया कि इस साजिश के पीछे हाथ किसका है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के ऊपर सारा आरोप मढ़ दिया और अपने दुर्दशा के जिम्मेदार सीधे सीधे हृदय नारायण दीक्षित को ही मानते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भूपेश कुमार अच्छा भूपेश जी, यहाँ पर करने क्या आए हैं? यहाँ पर मेडिकल कराने हैं, पुलिस लेकर आई है मौरावा थाने। पुलिस ने आपको पकड़ा? हाँ। किस अपराध में? किस अपराध में? गुंडा एक्ट में जिला बदर। तो कहाँ से आपको उठाया था? ये हमको पकड़ा है रायबरेली जनपद में भागी खेड़ा के पुलिया है, वहाँ से लेके आया थे गुमान खेड़ा में दर्शाया। अच्छा, और क्या बताना चाह रहे हैं? ये आपराधिक है या राजनीतिक है? शुद्ध रूप से राजनीतिक, विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। हमको गुंडाई की कोई जानकारी नहीं थी, हमारी नोटिस की कोई तामील ही नहीं। जब हम संघ में खंड कार्यवाह हैं आरएसएस के यहाँ हिलौली के, तो भी ओटीसी लगी थी, तो हम ओटीसी में 20 दिन के प्रशिक्षण पे थे। 18 तारीख गए थे, 21 तारीख को ये ऑर्डर हो गया बीएल यादव ने, कर दिया आईडीएम ने। वहाँ व्यवस्था ये है प्रशिक्षण में कि वो जमा हो जाते हैं सबके मोबाइल, तो काफ़ी दिन जानकारी नहीं, जब संपर्क नहीं हो रहा, काफ़ी दिन बाद संपर्क हुआ तो हमको जानकारी हुई। अच्छा, हमारे खिलाफ़ जो भी मुकदमे हुए राजनीतिक है। मैं जिले से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा। अब माननीय हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्हीं के साथ काम कर रहा, 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और वर्तमान में हम दीक्षित जी के कहने से, उनका एक विद्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज मवई उन्नाव, वहाँ पर हमको वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति किया था और मद का, सरकारी मद का लेखा जोखा रखने का निर्देश हुआ था हमारे लिए लिखा पढ़ी में। तो वो कैशियर के पास होता था, कैशियर हमको नोट कराता था। पहले गड़बड़ था, वहाँ लास्ट में जा रहा था, जब हम पहुँचे तो पहले ही साल वहाँ 4 लाख की इनकम हुई सालाना। इस समय विद्यालय 6 और 7 लाख के बीच में सालाना इनकम में चल रहा है। क्या लगता है इस साजिश के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो शुद्ध रूप से हृदय नारायण दीक्षित अध्यक्ष विधानसभा को मानते हैं कि नोटिस
कोई गुंडा एक जोर हमारे ऊपर जो भी मुकदमा है राजनीतिक है, किसी भी मुकदमे में चार सीटेड नहीं है जो दर्शाए गए हैं और सब में फाइनल रिपोर्ट लगी है और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट से स्वीकृत है। 27 साल का मुकदमा, साधारण मुकदमा 323, 504, 504, 452 साधारण है, कोई वहाँ पर कत्ल वतल का, 376 का, डकैती आज के मुकदमे नहीं है। और हमको शुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष पर, हमने स्कूल में काफ़ी घोटाला हुआ, 40-50 लाख का घोटाला है इधर 6-7 सालों में। मैं प्रबंधक हृदयनारायण दीक्षित जो इस समय अध्यक्ष विधानसभा है उत्तर प्रदेश के, 3 वर्षों से उनको लिखा पढ़ी में अवगत कराया, मौखिक अवगत कराया, तो उन्होंने कहा भूपेश जी आपकी बात सब सही है, आप इस कागज़ चलाते रहिए, कागज़ कोई मरता नहीं। हम उनके इशारे पर वहाँ कागज़ दे रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे लगातार 3 वर्षों से। इधर हमने शासन को लिख दिया, मुख्यमंत्री को, तो उसकी जाँच होने लगी गबन की, तो वो कहने लगे अरे हम तो अब हम ही आ गए इसमें चपेट में आ रहे हैं, हम उनको लिखा रहे कभी नाम दीक्षित जी का नाम हमने नहीं लिखा अपने प्रार्थना पत्रों में। मैं प्रधानाचार्य के लिए लिखता था, लेकिन दीक्षित जी ने कहा जब प्रधानाचार्य फंसेंगे तो प्रबंधक भी फंसेगा, इसलिए वो एक षड्यंत्र रचे, ये किया जाए, उनको स्कूल से निकाला जाए। हमको कई महीने से हस्ताक्षर नहीं करने दिए, कई महीनों से वेतन रोक दिया गया, वहाँ संघ की शाखा लगाने को मना किया, संघ के जिला कार्यवाह ने भी लिखा लेटर कि भूपेश जी खंड कार्यवाह हैं, विद्यालय में ही रात में रहते हैं, 10-12 वर्षों से शाखा लगाते हैं जो बंद करा दी गई है प्रधानाचार्य द्वारा, आप अनुमति दे दो कि शाखा लगाई जाए। लेकिन दीक्षित जी ने इसकी अनुमति नहीं दी, दीक्षित जी ने कहा शाखा होकर नहीं लगेगी संघ की जी। इस तरह की बातें करके और हम नहीं वहाँ लगते तो हम कहीं हम दूसरी जगह लगाने लगे शाखा संघ की, उसी से नाराज होकर कुपित होकर ये खड्डियत राजनीतिक खड्डे नचा गया हमारे खिलाफ, बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना हमारी जानकारी के एक थापा निर्णय लेते हुए मेरे खिलाफ गुंडाइटी जिला अधिकारी कार्रवाई की गई। और मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं इस अवधि में अपने गांव नहीं गया, अपने घर नहीं गया, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ मैं नहीं गया, मैं अपने पुत्रों के समक्ष खड़े कहता हूँ मैं नहीं गया, कतई नहीं गया। और जब हमको कल इन्होंने गिरफ्तार किया तो रायबेली जनपद की सीमा थी भागी खेड़ा की पुलिया पर, और बाद में लेकर गुमान खेड़ा में गिरफ्तारी दिखाई और रात भर हमको परेशान किया, वहाँ यह लॉकअप में डाल करके एसओ के, एसओ ने कहा इसलिए, और बड़ी बात है, एसओ ने भाजपा को भी गाली दी, एसओ ने संघ को भी गाली दी, आरएसएस को भी गाली दी। जब हमने बताया अपना परिचय दिया, हमने कहा परिचय दे दे, नहीं कहो मारपीट करने लगे, तो मैंने परिचय दिया कि मैं भाजपा में 30-35 वर्षों से हूँ, दीक्षित जी के साथ कार्य करता हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हलौली का खंड कार्यवाह हूँ। तो इन्होंने खंड के लिए माँ बहन की गाय उसके संघ के लिए आरएसएस के लिए माँ बहन की गाली दी और भाजपा के लिए भी गाली दी जी, हमारे लिए भी अब शब्दों का प्रयोग किया और कह रहे हैं, बार बार कह रहे तो चुप रहो तो गोली मार देंगे, आपका काउंटर कर देंगे, रात की बात थी 8-8 बजे होगा, तो बार बार काउंटर करने कह रहे, बार बार रिवाल्वर पर हाथ लगाते थे तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काउंटर कर देंगे, यही हमको कहना है व्यक्ति और ये सब आप तो अदालत में कहेंगे जो कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, संघर्ष करेंगे। भूपेश कुमार आरएसएस के पदाधिकारी वहीं मोरावा थाना अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ को भी आरोपित करते हुए कहा कि इन्होंने रात के अंधेरे में मुझे रायबरेली जनपद की सीमा से पकड़कर धमकी दिया कि तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, तथा हवालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जमकर गालियां दी।